लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो कि सीबीएसई द्वारा हमें सर्कुलर में नोटिफाई किया गया है, दोनों क्या है और किस तरह से हमें ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, उनकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं। इस वीडियो में हम जो कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो दिल्ली के बच्चों को सिक्किम के लिए मिला है उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है हमें कि यहाँ पर मैं जो आपको इन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ, ना मैं आपको यहाँ पूरा प्रोजेक्ट देने वाली हूँ और ना मैं आपको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ आइडियाज़ हैं कि प्रोजेक्ट किस तरह से बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बनाना है। ये जो इंट्रोडक्शन है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कैसे फर्स्ट टू एट्थ तक एक मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बनाना है और नाइन्थ और टेंथ के बच्चों को हर सब्जेक्ट के लिए एक बनाना है। अब अगर हम ध्यान दें, बच्चों के पास टाइम इतना कम है कि हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे को हम कोई एक ऐसा टॉपिक दें जिसे कि वो हर सब्जेक्ट में मॉडिफाई करके बना सके। अब ये कैसे करना है, हम इसी को डिस्कस करते हैं। जब बच्चा इस प्रोजेक्ट को करेगा तो ये ध्यान में रखें कि प्रोजेक्ट जो है ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग हो, उस पर बच्चा रिसर्च करे, इंटरनेट और बुक से डिस्कस करे और प्लीज़, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, टॉपिक जो है उसके सिलेबस से रिलेटेड हो। एटलीस्ट जिस टॉपिक पे बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया है, जब एग्ज़ाम में आए तो उस पर 100% लिख पाए। उसको हम आर्ट से इंटीग्रेट कर देंगे ताकि बच्चा उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके और अंडरस्टैंड कर सके और कभी भी भूले ना। जो भी बनाएगा वो इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाएगा। कोशिश होनी चाहिए कि लोकल आसपास मिलने वाले मटेरियल्स हों, एक्सपेंसिव ना हो और सेम टॉपिक को अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए प्रेजेंट कर सके। बच्चे अपने आप ये बनाएंगे और ग्रुप्स में बनाए चाहे, लेकिन रिपोर्ट जो है वो सबकी अलग अलग आएगी ताकि उसका इवैल्यूएशन करके मार्क्स भेजे जा सके। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था चार आर्ट फॉर्म्स, बच्चा उनमें से कोई भी यूज़ कर सकता है। पाँचवा आर्ट फॉर्म जो क्विजीन का था, क्विकी कुकिंग का, उसको भी यूज़ कर सकता है। प्रोजेक्ट की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चे ने कितना लंबा प्रोजेक्ट बनाया। हो सकता है बच्चा आपको सिर्फ एक फोटोग्राफ भेज दे अपनी डिटेल्स के साथ और उसके प्रोसीजर के साथ, तो वो भी एक प्रोजेक्ट सफिशिएंट है अगर बच्चे की क्रिएटिव लर्निंग और आउटकम्स हमें उसमें नज़र आ रहे हैं। और ये टॉपिक और प्रेजेंटेशन दोनों टीचर और स्टूडेंट के म्यूचुअल डिस्कशन से ही होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट्स एज सच टॉपिक्स नहीं है। मैं आपको सिक्किम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और सारे एरियाज बता दूंगी। आप अपने बच्चों के साथ और सारे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करके एरिया चूज करो और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लो। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल यहीं पे देती हूँ। ये देखिए, ये है वहाँ की एक मोनेस्ट्री। इसको हम किस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला मोनेस्ट्री, इंग्लिश हो या हिस्ट्री हो या एसएसटी हो, तो आप बता सकते हो मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं, किस रिलीजन से रिलेटेड हैं एट्सेट्रा। अगर आप मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे हो तो ये देखिए, अब हमारे पास आ गया ट्रेपीजियम। छोटी क्लासेस में हम इसे कलर और शेप को सिखा सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी क्लासेस हैं तो ट्रेपीजियम और क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, रोम्बस, क्वाड्रिलैटरल, इन सब में क्या फ़र्क है। अब आप देखिए, यहाँ पर ये तो एक रेक्टेंगल है लेकिन ये ट्रेपीजियम है, ऐसा क्यों है। थोड़ी और बड़ी क्लासेस होती हैं तो ट्रेपीजियम का हम एरिया कैसे निकालेंगे। इस रेक्टेंगल और इस ट्रेपीजियम में क्या फ़र्क है, देखिए, इस रेक्टेंगल में से हमने दो ट्राइंगल्स निकाल दिए, हमारा ट्रेपीजियम बन गया। और बड़ा बच्चा होगा तो हम उसमें थ्री डायमेंशनल ट्रेपीजियम का एरिया निकालना भी सिखा सकते हैं। तो एक इतने से हमने मैथ्स भी कर लिया, साइंस भी कर लिया और देखिए, हमने अलग अलग शेप्स में यहाँ पर ट्राइंगल भी लिया। अब ट्राइंगल और ट्रेपीजियम के एरिया को भी हम इसमें दिखा सकते हैं। यहाँ तक का जो एरिया है ये ट्रेपीजियम का एरिया हो गया, नीचे रेक्टेंगल था। साइंसेज में हमने इन्हें किस किन मटेरियल से बनाते थे, क्या ये इको फ्रेंडली था या नहीं, हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, विंडोज़ की क्या प्लेसमेंट है, इन विंडोज़ का क्या शेप है, यहाँ पर ये कौन से प्लांट्स लगे हैं और हम इसमें क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं चेंजेस। अब देखो, ये है वहाँ का हेरिटेज मॉन्यूमेंट। अब इस हेरिटेज मॉन्यूमेंट में हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स होते क्या हैं, ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, किसने बनाया था, कब बनाया था, किस मटेरियल से बना है, क्या वो मेटल है या नॉन मेटल है, इसको हम प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। ये आ गया वहाँ का क्विजीन। मोमोज नज़र आ रहे हैं, सिंपल बायो है आपका या फिर होम साइंस है, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, साइंस में भी है न्यूट्रिएंट्स। हम इसको किस कुकिंग मेथड से बनाते हैं, स्टीमिंग से बनाते हैं, फ्राई करते हैं, इसके अंदर फिलिंग को हम और न्यूट्रिशियस कैसे कर सकते हैं। तो एक ही टॉपिक आप देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स में चल रहा है। तो बच्चा सिर्फ एक एरिया और अपना तरीका, सबसे पहला चीज़ है वो अपना एरिया चूज़ करे कि उसे इंटरेस्ट किस एरिया में आ रहा है, और फिर
अपने सब्जेक्ट के लिए वो उसे किस तरह से मॉडिफाई कर सकता है, कौन सी टेक्निक उसके लिए अच्छी रहेगी। अब ये देखिए, ये वहाँ का डांस है, अगर बच्चा डांस में इंटरेस्टेड है वो इस तरह का डांस प्रेजेंट कर सकता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप इसके थ्रू साउंड वेव्स भी करा सकते हैं, छोटे बच्चों को आप इसके थ्रू शेप्स बनवा सकते हैं। देखिए, अगर आर्ट एंड क्राफ्ट है तो बच्चा इसे थ्री डायमेंशनल टोपी बनाते हैं ना, बर्थडे कैप्स, वो बना सकता है। थोड़ा बड़ा बच्चा है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बना सकता है और उसमें आप साउंड्स पैदा करवा सकते हैं इसके अंदर फिलिंग करके। अगर इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ ना हो तो कैसी साउंड आती है, अगर इसके अंदर हम कुछ भर दें तो किस तरह की साउंड आएगी। तो आप देखिए, हमने इसमें फिजिक्स की साउंड, उसकी डेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम यहाँ पर वो भी सिखा सकते हैं गारमेंट्स। और अगर वो डांस अच्छा करता है तो वो स्पेसिफिक इसी तरह का एक डांस प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट कर सकता है, तो उसका इंटरेस्ट भी आ गया और स्टेट के बारे में भी। अब ये देखो, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे ट्वेल्थ के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे से मिक्स्ड हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब्जेक्ट सारे अलग अलग हैं, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हमें यहाँ पर उनके जो लाइंस हैं उनको कम कर देना है और हम उससे आगे बच्चों को सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करवा देंगे। अब ये हैं कुछ सिक्किम से रिलेटेड फैक्ट्स जो मैंने आपको हर फील्ड में दिए हैं। आप उसे बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं या आप ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बच्चों को एरिया भी दे सकते हैं। अब ये इंडिया का स्टेट जो है, एग्जाम्पल ले लें, 16 मई 1975 को बना। अब हिस्ट्री के बच्चे तो ये भी स्टडी कर सकते हैं, इससे पहले क्या होता था वहाँ पर, 1975 से पहले ये क्या था, ये इंडिपेंडेंट माउंटेनियस एरिया था, उससे पहले ब्रिटिश का यहाँ पर राज था या नहीं था, कौन कौन से राजा यहाँ पर थे। तो इस तरह से वो एक ट्री भी बना सकता है जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से राजा वहाँ पर थे, डायनेस्टीज। ये जो है वहाँ की पॉपुलेशन का पीछे का एरिया है। बच्चा इसको ग्राफ में प्रेजेंट कर सकता है अलग अलग साल के, फिर उनको इंटरप्रेट कर सकता है कि किस रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, क्या रीजंस हैं उसके। तो ये सब मैथ्स हो गया। ये जो मैप है ये पूरी ज्योग्राफी है, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हैं, ये रिवर्स हैं, किस तरह से मैप को रीड करना है, इसके इंटरनेशनल बाउंड्रीज कैसी हैं, मैप में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारा कुछ यहाँ से आप ले सकते हो। फिर देखें हम इसका एरिया कितना है, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट है और वहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम है 2012 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 86 पर किलोमीटर स्क्वायर, 86%। तो हम ये देख सकते हैं इसकी इतनी और दिल्ली की इतनी ज़्यादा है, क्यों है, क्या रीज़न है, डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए, ये जो बिल्कुल SST का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे, ये हम हिस्ट्री मैथ्स कंपैरिजन आ जाएगा उसका, उसको प्रेजेंट करना आ जाएगा। डेंसिटी होती क्या है, किस तरह से निकलती है, डेंसिटी का कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी पे अगर बात करें तो भी बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट में बना सकता है। फिर हम आते हैं फैक्ट्स। अब ध्यान दो, मैं इनमें से कोई भी चीज़ रीड नहीं कर रही हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी। अगर बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है वो यहाँ से लेकर अपने प्रोजेक्ट को बना सकता है। अब यहाँ पे उसके फैक्ट्स हैं, कौन सा नेशनल एनिमल है, बर्ड्स, अब स्पेशली छोटे बच्चों को तो इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। इसके साथ वो रिलेट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री के नेशनल एनिमल जो है क्या है, इनका रेड पांडा है और हमारी कंट्री का तो रेड पांडा नहीं है, ऐसा क्यों है कि दोनों जगह का अलग अलग है। बच्चे अगर ऐसे क्वेश्चंस करें तो दे शुड ऑलवेज बी एनकरेज्ड। तो एज के अकॉर्डिंग बच्चे का अपना प्रेजेंटेशन आ सकता है। बच्चा स्क्रैप बुक बना सकता है सिक्किम के ऊपर, कौन से मेजर क्रॉप्स हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, मेल्स और फीमेल्स का रेशियो इंडिया में फीमेल्स का हमेशा कम क्यों होता है। देखो आप ये भी SST का रेट आ गया। लिटरेसी रेट केरला का 100% है, यहाँ का 87% है, इसका क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। तो हर सब्जेक्ट को हम एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और वो आर्ट्स और साइंस का डिफ्रेंसिएशन खत्म हो रहा है। ये है वहाँ के फिजिकल फीचर्स। अभी तक हम फिजिकल फीचर्स देखते ही कह देते कि ये ज्योग्राफी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बट नहीं, अगर आप देखो तो कंचनजंगा, इस पर लाइट पड़ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कैसा लगता है। हाइट्स, ट्राइंगल, ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री भी ला सकते हैं, इसका एल्टीट्यूड भी निकलवा सकते हैं, ट्राइंगल्स किस किस तरह के होते हैं, शेप्स, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट भी आ गया, ग्लेशियर्स, ग्लोबल वार्मिंग, ये साइंस में आ जाएगा। ग्लेशियर्स जो है वहाँ पर 80 ग्लेशियर्स हैं। उसके बाद आप ये भी देखो, छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें बता सकते हो ग्लेशियर होता क्या है, बच्चा जब पढ़ेगा। फिर आप देखिए, सिक्किम में वैलीज भी हैं, येरी वैली, वैली क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है, हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को इस कंसेप्ट के थ्रू बता सकते हैं। तो आपने देखा ये जो डिफरेंस है ये कम होता जा रहा है। फॉरेस्ट कवर 47.37, अब इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि ये बढ़ रहा था या घट रहा था। जैसे ही हम बढ़ने और घटने की बात करते हैं इसमें साइंस आ जाता है, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, SST और एनवायरनमेंट साइंसेस भी आ जाएगा,
जब हम उसके फैक्टर्स की बात करेंगे कि क्या ज़रूरी है ट्रीज का होना, वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हम साइंस को भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो बच्चों को कहिए अपने इंटरेस्ट से रिलेट करें और जो टॉपिक आपने उन्हें सिलेबस में कराया है उसके बारे में बात करें। अब हमारा आ रहा है फ्लोरा और फौना, ये भी आपको लगेगा हमसे रिलेटेड नहीं है, हम इसे क्यों कराएंगे। अब ये कितना अच्छा तरीका है बायो कराने का, बच्चे ये स्टडी कर लें कि वहाँ पर ये एनिमल्स होते हैं, अब आप उनसे कहो कि वो आइडेंटिफाई करें इनमें कौन से मैमल्स हैं, कौन से रेप्टाइल्स हैं और क्यों हैं। देखो आप फ़ौरन बच्चे को क्लासिफिकेशन याद हो गया, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, मैमल्स कौन से होते हैं, प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं वहाँ पर, वो क्या करते हैं, बैम्बूज क्या होते हैं, कॉनिफर्स क्या होते हैं। तो अब आप देखो कि ये कितनी SST की फील्ड साइंस में अगर बच्चा हिंदी और इंग्लिश के भी एसेस लिख रहा है तो उसमें भी इंटीग्रेट होता चला जा रहा है। बच्चा एक स्क्रैप बुक भी बना सकता है, हर्बेरियम फाइल बना सकता है जिसमें बच्चा उसके एग्जाम्पल्स लिखेगा, उसके बारे में लिखेगा, तो जिसमें भी उसको इंटरेस्ट हो। फिर हम आते हैं इकोनॉमी पर, ये साइंस, कॉमर्स, बिजनेस, इन सब चीज़ों में बहुत ही यूज़फुल है। GDP होता क्या है, जैसे ही बच्चा इसके बारे में पढ़ेगा उसे GDP का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, GDP बढ़ रहा है या घट रहा है, सिक्किम का GDP इतना कम क्यों है, क्या रीज़न है, वहाँ पर इतना ज़्यादा काम क्यों नहीं होता। आप उसे एसोसिएट करेंगे कि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, माउंटेन्स हैं, इस तरह की चीज़ें, वहाँ इनहैबिटेबल जगहें कम हैं, उसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या हैं, क्या उसकी इकोनॉमी को रन करता है, तो बेसिकली एग्रीकल्चर और टूरिज्म। मिनरल्स कौन से होते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कार्डमम का, और उसका ग्रोथ रेट आप देखो 21.18, ये तो इकोनॉमी है, इसको ही आप रिलेट कर सकते हो कि क्या क्या रीजंस हैं जो उसकी इकोनॉमी कितनी फास्ट जा रही है। ये फैक्टर्स हो सकते हैं, इनको हम प्रेजेंट करेंगे, मैथ्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, हम इन्हें अकाउंट्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, हम इन्हें इको में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बिजनेस में भी कर सकते हैं, SST में, साइंसेज में हम इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। फिर चाहे हम ऐसा चार्ट बनाएं, बाय चार्ट बनाएं, पाई डायग्राम बनाएं, ये अलग अलग तरीके हैं प्रेजेंट करने के, और बच्चा इनमें से कोई एक भी अगर इस साल कर देगा तो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। फिर है बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड जो कि है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट ये सिर्फ अभी तक हम मान के चलते थे ड्राइंग के बच्चे करेंगे, बट अब आप देखो केन का सामान बनता है वहाँ पर, यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं, वुड है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इनमें कौन से कलर्स, कौन कौन से डाइज यूज होते हैं, ये आपको देख रही हैं पेंटिंग्स, ये थंका पेंटिंग है, थंका पेंटिंग का क्या कल्चर है, ये कहाँ से इवॉल्व हुई, ये कौन से मोटिव्स बनाते हैं, ये सब हिस्ट्री में आ जाएगा। अब अगर आप देखो ये ड्रैगन, ये बुद्धिस्ट का है, ये चाइना में भी आपको दिखता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब हिस्ट्री में आ सकता है। फिर टेक्सटाइल्स, नेचुरल टेक्सटाइल्स हैं ये, वूल के कारपेट्स बनते हैं, वीविंग किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें हमारी अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेट हो सकती हैं। हम चाहें तो इसको मैथ्स के शेप्स भी इस तरह से बनवा सकते हैं, दिख रहा है आपको, ये भी तो शेप्स हैं, ये भी सारे शेप्स हैं, ये सिलेंडर है, यहाँ पर आपको बास्केट भी मिल रही है, और उसके बाद ये चौकसी टेबल है, इसमें एरिया भी निकल सकता है, इसमें अलग अलग शेप्स भी आ सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस भी आ सकते हैं। फिर है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स, बच्चा आपको चाहे तो सिर्फ एक मास्क भी बना के दे सकता है, इसमें कलर कॉम्बिनेशंस बता सकता है, अलग अलग डांस फॉर्म्स, बच्चा एक डांस प्रेजेंटेशन भी आपको करके भेज सकता है कि उसने किस तरह का डांस बनाया है, और वो वीडियो भी आपके लिए सफिशिएंट है, बच्चा उसके ऊपर एक कवर पेज और उस डांस के बारे में कुछ लिख के आपको भेज सकता है। फिर अलग अलग वहाँ कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, वो किस रिलीजन से रिलेटेड कर सकते हो आप, उसकी क्या हिस्ट्री है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हैं। फिर हम आ गए आर्किटेक्चर पर, ये भी आप देखो यहाँ पर आपको मैथ्स भी नज़र आएगा, आपको साइंस भी नज़र आएगा, और SST और हिस्ट्री तो है ही, इस पूरे की हिस्ट्री क्या है, इसका बेस इतना चौड़ा है, इसके टॉप के प्रपोर्शन में और बॉटम के प्रपोर्शन में कितना डिफरेंस है, छोटे बच्चे तो शेप्स और कलर्स ही इससे सीख जाएंगे, बड़े बच्चे इसमें प्रपोर्शन के बारे में भी पढ़ रहे हैं, और इसके पीछे साइंस क्या है, बैलेंस नहीं हम पढ़ रहे हैं क्या इसमें, ये पिलर्स के ऊपर कैसे बैलेंस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरलिंक्ड हैं, बच्चे को आपको सिर्फ आइडिया देना है। ये देखिए उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, हम बच्चे को ये भी दे सकते हैं, इसमें बैलेंस आ रहा है, इसमें कहाँ पर कितना एरिया है, किस एरिया और किस तरह से हमने इसे बनाया, कौन कौन से शेप्स हैं, हम उसके ऊपर ये शेप क्यों बनाते हैं, इन सब के पीछे बच्चा लिख सकता है अगर वो चाहे तो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें हर बच्चा इंटरेस्ट लेने वाला है, वहाँ का क्विजीन। अब बच्चे ने अगर मान लीजिए मोमोज बनाए हैं तो वो आपके हर टॉपिक में कवर हो जाएगा, बच्चा उसकी रेसिपी लिख के और उसके बारे में लिखकर आपको लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकता है। मोमोज में
कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं ये वो साइंस में आपको दे सकता है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है। अब मोमोज हम स्टीम करके बनाते हैं, कौन कौन सी वेराइटी है इसके अंदर, हमने वेजिटेबल स्टफ़ करे हैं, हम इसमें सोयाबीन स्टफ़ कर सकते हैं, नॉन वेज स्टफ़ कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, मैदे की जगह हम इसे किस किस आटे से बना सकते हैं, हम इसमें ओट्स मिला सकते हैं, हम इसमें रागी मिला सकते हैं, किस तरह से हम चटनियों में चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसमें बायो भी आ गया, न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, साइंस आ गया, डाइजेशन आ गया, इतनी सारी चीज़ें हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सिर्फ अगर बच्चे ने एक डिश बनाई है वो इस डिश को आपके अलग अलग टॉपिक से रिलेट कर सकता है। सूप्स हम किस कंडीशन में देते हैं, डिजीज़ में क्यों नहीं देते, हम डिजीज़ में हम सूप्स क्यों देते हैं, इसमें हम न्यूट्रिशियस और कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा ले सकता है। और रिटन पार्ट जो लेगा वो उसके बारे में, उसमें तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी हिंट्स दे ही दी हैं, तो बच्चा बहुत आसानी से अब आपके प्रोजेक्ट्स को बना सकता है। जो भी फील्ड चूज़ करेगा उसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको यहाँ कवर कर दी है। ये है वहाँ का म्यूज़िक और डांस, अगर बच्चा म्यूज़िक और डांस में इंटरेस्टेड है वो आपको एक प्रेजेंटेशन या डांस आइटम जैसे मैंने आपको बताया वही कर सकता है। अब ये जो अलग अलग है इसमें, इससे भी हम बच्चों को शेप्स बनवा सकते हैं, बच्चा इसका हैंडीक्राफ्ट आइटम भी आपको बनाकर सबमिट कर सकता है। ये किस मेटल का बनता है, मेटल है या नॉन मेटल, अब यहाँ पर केमिस्ट्री आ गया, मेटल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो ऑर्नामेंट्स में यूज़ हो सकते हैं, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ऑर्नामेंट्स में यूज़ नहीं होते, मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी यहाँ पर आ गया, कलर कॉम्बिनेशंस आ गया, थीम रिदम आ गया, ये सारी चीज़ें हम डांस और म्यूज़िक से दे सकते हैं। कॉस्ट्यूम्स में वीविंग आ गया, अब अलग अलग तरह के ड्रेप्स आ गए, डांस फॉर्म्स आ गए, तो हम इन सबको रिलेट करके बच्चा आपको एक प्रोजेक्ट दे सकता है। अब ये देखो एक और स्क्रैप बुक बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के लिए बना सकता है, इसके ऊपर ओमेगोरांग के ऊपर करेंगे तो फैशन डिज़ाइनर, अगर वो गेम्स में इंटरेस्टेड है तो बाईचुंग भूतिया, तो इनमें से किसी के भी ऊपर या फिर अलग अलग पर्सनालिटीज़ के ऊपर अगर एक बनाता है तो ये भी स्क्रैप बुक हो सकता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसका कंटेंट वेरी कर सकते हैं। पॉल साइंस, सिविक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप बता सकते हैं, और अगर बच्चा वहाँ का, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप बच्चे को ये टॉपिक बहुत ईजिली दे सकते हैं, उसे बनाते ही फौरन याद हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, और जब वो सिक्किम के एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बारे में पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसे ये तीनों कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे कि हमारे यहाँ तीन पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशियरी। बच्चा उनके बारे में आपको डिटेल्स दे सकता है, और यहाँ पर मैंने नाम नहीं दिया कि बच्चा अपने आप देखेगा चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, और हाई कोर्ट का जस्टिस कौन है, या आपको विधानसभा और हाई कोर्ट दिख रहा है, बच्चा इस तरह की एक स्क्रैप बुक भी बना सकता है, ये ज़्यादातर टॉपिक्स को कवर कर लेगा। लैंग्वेजेस कौन सी हैं इन केस वो इंटरेस्टेड है, और अगर वो चाहे तो एक पाई चार्ट बनाकर वो मैथ्स और साइंसेस से भी इसको इंटीग्रेट कर सकता है। हमारा मेन काम है इंटीग्रेशन का, और फर्स्ट टू एट तक के तो बच्चे जो हैं वो एक ही प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग कंसेप्ट ले सकते हैं। जैसे अब सिक्किम के कुछ अचीवमेंट्स, छोटे बच्चे इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, 2015 में सिक्किम वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेट बन गया जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, उसमें पेस्टिसाइड्स क्यों नहीं यूज़ होते और पेस्टिसाइड्स का क्या नुकसान है, फिर हमारा केमिस्ट्री आ गया, और ये इसकी सारी फार्मलैंड्स जो हैं वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम इंडिया में हर जगह पर ऑर्गेनिक फार्मिंग ला सकते हैं, टेरेस फार्मिंग किस तरह से प्रमोट होता है। दूसरा, इंडिया का ये सबसे पहला डिफिकेशन फ्री स्टेट है, यहाँ पर ओपन टॉयलेट्स, सारे टॉयलेट्स कवर्ड हैं, ओपन का सिस्टम नहीं है, तो प्रधानमंत्री की जो स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान उसको भी ये फुलफिल करता है, तो एनवायरमेंट से भी रिलेट कर गया, SST से भी और साइंस से भी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं कि वो कम टाइम में सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बना सकें और उन्हें बहुत मेहनत भी ना करनी पड़े और आर्ट और एजुकेशन दोनों इंटीग्रेट भी हो सके। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और स्पेशली अगर कोई आइडियाज़ हो आपको वो भी आप दे सकते हैं। तो अब आप देखो बच्चा मास्क बना सकता है, पपेट्स बना सकता है, बच्चा कोई डिश बना सकता है, एक फोटोग्राफ कोई क्लिक कर सकता है, अपना डांस आइटम बना सकता है, सॉन्ग्स को प्रेजेंट कर सकता है, और उसके साथ आपको 2 पेज की भी अगर वो रिपोर्ट भेज रहा है या आपको डिजिटल फॉर्म में भी अगर वो भेज रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड करके उसके मार्क्स भेज सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर दीजिए, बताइएगा, और अपने आइडियाज़ भी दीजिएगा कि और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।